जबकि कथावाचकों को तो जनता अपना आइडियल मानती है, आदर्श मानती है, उनका काम तो समाज से भेदभाव मिटाना है, लेकिन ये भी क्या कर रहे हैं। यूपी के औरैया में 14 अगस्त को मध्य प्रदेश के कथावाचक पंडोकर महाराज ने, पंडोकर सरकार ने अपना दरबार लगाया था। इस दरबार में एक युवक को पंडोकर सरकार ने भरे मंच से, पूरे मंच से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर पूरी तरह अपमानित किया, ऐसे उन पर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल ये युवक सैन समाज से ताल्लुक रखता है। इस युवक को पंडोकर सरकार ने बुलाया और उसके खिलाफ लगातार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और उसे मंच पर ही मुर्गा भी बना दिया। ये पूरा वीडियो देखिए कि आखिर हुआ क्या था। जल्दी आइए, जल्दी आइए, सोचिए, दिमाग लगाइए कि पांच पांच लोग ढूंढ करके ले आए हैं। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसे छोड़ दो। ध्यान रखना, हरकतबाजी की तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। जिंदगी में ना खेलने लायक बचोगे और ना नौटंकी करने लायक बचोगे। फेंक चूड़ी बाहर, चूड़ी फेंक। हाँ, पास में आइए भैया, जिन्होंने भेजा आप उनको जानते हो? हम एक थप्पड़ दें, झूठ बोले तो। हाँ, तो मैं गुटक पास में आओ, बोलो क्या बात है। कुछ नहीं, कुछ नहीं पूछना है। क्या नाम है आपका? जाति नाऊ, नाऊ। हमने कहा रोहित कुमार नाऊ नाम है, जाति नाऊ है। पूछना कुछ नहीं चाहते, आशीर्वाद है। क्या आपने किसी को बताया था? बोलिए पंडोकर सरकार की जय हो। और ये देख दिमाग लगाइए कि रोहित कुमार नाऊ ने पूछा क्यों नहीं है, क्योंकि उसके भाग्य में मात्र आशीर्वाद चाहता है। क्योंकि आपने सोचा देखते हम देख लेते गुरु महाराज का लिखे है ना, टेस्ट कर रहे थे ना। हाँ सही बता, मुर्गा बन जा, बन मुर्गा, नाउ गई का सही से बन, बन मुर्गा। आ, तुम नौवा हो, छत्तीसा, हम बाबना है जाना, तो तुमसे कई संख्या बड़े हैं, बाबन का हमसे। बैठ जाओ, आओ, जब हम नहीं रहे तब 36 की चलत, जब हम बैठे तो नाउट ना हुई रे, पंडित पंडित रे। ये युवक रोहित सेन मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का रहने वाला है और इस वीडियो के सामने आने के बाद सेन समाज भारी नाराज है। सेन समाज के लोगों ने पृथ्वीपुर तहसील के एसडीएम को ज्ञापन देकर पंडोकर सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पंडोकर सरकार गुरु शरण जी महाराज जी हैं, जो हमारी समाज का एक व्यक्ति यहाँ दरबार में गया तो उनने पहले तो परिचय पूछा, तो परिचय में उसने अपना नाम सरनेम में सेन बताया। ये बोले सेन नहीं, तू नौगा है, नौगा। बार बार जाति सूचक शब्द उपयोग करते रहे, छत्तीसा बोले और छत्तीसा है, नौगा है। फिर ने मुर्गा, उसको मुर्गा भी बनाया, एक थप्पड़ भी लगाया। हम चाहते हैं महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए कि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर FIR दर्ज कर उनको जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे मध्य प्रदेश ने, पूरे देश भर की सैन समाज इकट्ठा होकर उनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेगी आगे चल। और इस मामले में 10 सूत्र ने जब रोहित सोन से सैन से फोन पर बात की तो रोहित सैन ने कहा कि जिस तरह से पंडोकर सरकार ने बर्ताव किया है, व्यवहार किया है, उससे वो बेहद अपमानित महसूस कर रहा है। मेरे मन में और कुछ नहीं था, हम तो यही सोच रहे थे कि बालाजी का दरबार है तो इस वजह से हम फिर मुर्गा बने। हमने ये मजाक मजाक में कह रहा होगा तो हम मुर्गा बन गए। फिर इसने 36 करके कि तुम 36 हो, हम बावन है। तो पहले तो जो वीडियो उनका लाइव चल रहा था वो मैंने देखा, उसमें मेरे को मुर्गा भी बनाया था। तो हमने इतना ज्यादा नहीं लिया था, उसी दिन देखा था पहला वीडियो, उसके बाद हमने दोबारा कभी नहीं देखा।